जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग जी? आज मैं सुबह के 7 बजे घर से निकला था एक छोटे से राइड के लिए घर के पास, और 40 मिनट ड्राइव के बाद राइड के बाद पता चल रहा आगे और भी है। ये मुझे लग रहा है ये पूरा मुझे किसी और शहर तक लेके जाएगा। ये ट्रैक बहुत लंबा ट्रैक है, तो आई एम इन्जॉइंग। सैटरडे मैं इससे पहले सोया करता था पूरे 12-1 बजे तक। कुछ चीज़ें मैंने सोची है कि मैं चेंज करूँ अपनी लाइफ में, जिसमें से कि जल्दी उठने का जो हैबिट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पर काम करना चाहिए। और सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास पूरा दिन प्लान करने का या पूरा दिन को चलाने का जो आपको एक मौका मिलता है, और आप अपना पूरा दिन अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं एक अच्छे प्लान के साथ। और यही है, अभी घर जाके कुछ चीज़ें काम है वो 10 बजे से पहले निपटा के एक अच्छा सा नाश्ता बना के फिर निकल जाएंगे बाहर कहीं और यही है लाइफ यहाँ। ये जगह बड़ी खूबसूरत है, अर्ली मॉर्निंग का जो यहाँ का व्यू है बेसिकली जिसे आपने मूवीज में देखा था बिल्कुल वैसे ही है। अगर थोड़ा रात हो जाए यहाँ थॉटिंग हो जाएगा, एंड काफ़ी लोग आ रहे हैं वॉक के लिए। इट्स अर्ली मॉर्निंग बट पीपल्स आर रियली टेकिंग गुड, यू नो। अगर मैं आपको थोड़ा दिखा सकूँ, बहरहाल मेरे साथ मेरी साइकिल है, शायद मैं थोड़ा चल ना पाऊँ सही से, बट अगेन द व्यू इज़ वेरी नाइस ओवर हियर। And yep, it's really good to have सुबह सुबह की walk वाकई में it's really nice। Good morning.
तो ये यहाँ का सुबह का व्यू है भाई। यहाँ हेलमेट वेलमेट लगा के लग रहा हूँ ना थोड़ा सा राजा बाबू। नहीं तो जी, और आप देख रहे हैं कि भाई आपका आधे से ज़्यादा टोरंटो सुबह 6 बजे ही उठ जाता है और लोग और भी आने लगे हैं। तो आदत डालो भाई लोग सुबह उठने की, अच्छी आदत है। गोरे कर रहे हैं, कामयाब है तो शायद हम भी हो जाएं, क्या पता। एंड यप, गोरा नहीं बोलना चाहिए किसी को, पता नहीं किसी को बुरा ना लगे। तो दोस्तों अभी थोड़ा ले लिया मैंने पानी ब्रेक, बहुत खूबसूरत है सारा यार, इतना सुकून भरा सैटरडे कभी पहले नहीं देखा। और बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने अपनी यहाँ तक की जो भी मैंने देखा है टोरंटो में, जो मैंने समझा है, बेसिकली लोग यहाँ पर खुद को बदलने में बिलीव रखते हैं। वो इमिग्रेंट्स या वो लोग जो वॉर देख के या कुछ बुरे मसाइल्स को देखकर यहाँ आते हैं, तो यहाँ इनको देखकर जो यहाँ के लाइफ स्टाइल है इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि खुद को बदलें। क्योंकि सोसाइटी में अगर आपको इनके बराबर रहना है तो कम से कम आपका रहन सहन इनके जितना हो। और मैंने नोट किया, रहन सहन, बातचीत, सेहत, इनसे आपकी पर्सनालिटी बनती है। और जब आपकी पर्सनली ग्रोथ होती है, जब आपको दिख रहा होता है कि आप पे चेंजेस आ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेंटालिटी और बहुत सारी चीज़ों पर चेंजेस आती है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सोसाइटी इश्यूज़ हैं कि लोग थोड़े से बहुत ही नेरो माइंडेड या बहुत सारे डर्टी माइंडेड के दो, बट अगेन यही होता है कि आपको खुद से शुरू करना चाहिए और कोशिश करें कि जितना अच्छा आपसे वाइब्स निकलें और जितना अच्छा आपसे लोग पर्सनली अटैच हो जाएं कि आपके जो अच्छे सिफात है वो समझ सके और उनको वो अडॉप्ट कर सकें। बेसिकली ये इंसान एज अ मॉडेम ही काम करता है कि मैं देखता हूँ कोई मुझसे बेहतर इंसान है रहन सहन में, या मुझसे बहुत अच्छा है बातचीत में, मुझसे अच्छा है ज़िंदगी को गुजारने में, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उससे सीखूँ, मैं उसे एक तरह का रीड कर सकूँ कि मैं खुद पे क्या चेंजेस कर सकता हूँ। तो आप देखते हैं कि बेसिकली देखने से ही एक दूसरे पे डिफरेंस आते हैं। एक यही तरीका है कि आप अपने इर्द गिर्द या माहौल को चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यही है कि भाई आप शुरुआत खुद से कीजिए, एंड बस इतना ही है। मैं आपको कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बट ये यहाँ का फैक्ट है। आपको यहाँ पर हर तरीके के लोग मिलेंगे और यकीन नहीं करेंगे, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कल्चर है, बट कॉमन ग्राउंड में सब सेम है, सब कैनेडियन है। ऐसा नहीं कि कोई अगर एशियन है तो उनको एज एशियन ट्रीट किया जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। इसकी क्वालिटी होती है और ये सब आता है एक्सेप्टेंस और खुद को चेंज करने से।